Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are don't waste your precious time. You can realize it. Don't utter another word. I have sympathy with you. I am now fed up with you. He has name and fame. Is there anything fishy? No one can tolerate it. What a coincidence. I miss you very much. Dear friends, these are some sentences which we use in our conversation when we speak English. So dear friends, if you also want to learn these sentences, then please subscribe Pankaj Institute of English. तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. शुरू करते हैं हमारे पाक. जैसे हम किसी को ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो समय होता है, समय बहुत बहुमूल्य है, तो इस बहुमूल्य समय को बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम. अपना बहुमूल्य समय बर्बाद मत करो. जब आप किसी प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, किसी व्यक्ति को ये बोलना चाहते हैं कि आप भी इसे महसूस कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कि यू कैन रियलाइज इट. आप इसे महसूस कर सकते हैं. यू कैन रियलाइज इट. नेक्स्ट सेंटेंस है, जब कभी किसी व्यक्ति को गुस्से में होते हैं और हमें कहना चाहते हैं कि अब आगे एक शब्द भी मत बोलना, तो इसी को बोलते हैं डोंट अटर अनदर वर्ड. आगे एक शब्द भी मत बोलना. और जब हम किसी के दर्द को बांट नहीं सकते हैं, केवल ये कहना चाहते हैं कि जो आपको दर्द है उसे मैं समझता हूँ और मेरी सहानुभूति आपके साथ है, तो इसी को बोलते हैं आई हैव सिंपथी विद यू. आई हैव सिंपथी विद यू. मुझे आपके साथ सहानुभूति है. जब किसी व्यक्ति की हरकतों से, किसी व्यक्ति से कोई परेशान हो जाता है, तो वो कहता है कि अब मैं आपसे परेशान हो चुका हूँ, तो इसको बोलेंगे आई एम नाउ फेड अप विथ यू. आई एम नाउ फेड अप विथ यू. अब मैं आपसे परेशान हो चुका हूँ. यदि किसी व्यक्ति का हर जगह नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, तो उसको सभी लोग यही कहते हैं ही हैज़ नेम एंड फेम. उसका नाम और प्रसिद्धि है. इज देयर एनीथिंग फिशी. एनीथिंग फिशी का मतलब होता है जब कुछ गड़बड़ होता है, कहीं पे कुछ रॉन्ग होता है, तो उसके लिए फिशी का यूज करते हैं. इज देयर एनीथिंग फिशी. दाल में कुछ काला है क्या. नो वन कैन टॉलरेट इट. टॉलरेट मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना. यदि हम कहना चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसको बोलेंगे नो वन कैन टॉलरेट इट. इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है. कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आप पहुँचते हैं वहीं पे आपका फ्रेंड मिलता है. फिर मान लीजिए आप मार्केट में हैं तो वो भी मार्केट में मिल गया. आप थिएटर में हैं, वो भी वहीं पे मिल गया. तो जब कभी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं क्या संयोग है. इसी को बोलते हैं व्हाट ए कोइंसिडेंस. व्हाट ए के संयोग, क्या संयोग है, क्या इत्तेफाक है, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं. और जब किसी व्यक्ति की हमको याद आती है, हम ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ या मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो सेंटेंस यूज करते हैं आई मिस यू वेरी मच. मैं आपको बहुत याद करता हूँ. सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस विद देयर हिंदी मीनिंग्स. तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इंग्लिश सीखने में. तो डियर फ्रेंड्स, आपको इन सेंटेंसेस में से एक भी सेंटेंस नया लगा हो या एक भी नया सेंटेंस आपने सीखा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए. और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. इफ़ यू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज अगेन एंड अगेन बाई रीडिंग, बाई राइटिंग और बाई लिसनिंग. यदि आप इन सेंटेंसेज को केवल बार बार सुनते भी हैं, तो इन सेंटेंसेज का आसानी से यूज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.